हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी रिजल्ट अड्डा। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे एयरफोर्स ग्रुप वाई के सिलेबस की। जिन लोगों ने इंडियन एयरफोर्स ग्रुप वाई का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है, उन लोगों को इसके सिलेबस की जानकारी दी जाएगी। और जो लोग इसकी घर बैठे ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी द्वारा एयरफोर्स के लिए नए बैच स्टार्ट कर दिए गए। आप इसका प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें आपकी डेली लाइव क्लासेस होंगी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा, और आपका सारा सिलेबस कवर कराया जाएगा। ₹333 पर मंथ में आपको केवल एक प्लान लेना है। उसके बाद आप एयरफोर्स, नेवी और कोस्ट गार्ड के सभी प्लस और आइकॉनिक बैच को एक्सेस कर पाएंगे। तो आपको केवल एक प्लान लेना है, उसके बाद सारे प्रीवियस बैच आप एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन आप ये प्राइस ना पे करें, आप यहाँ व्यू प्राइसिंग पे क्लिक करें। उसके बाद आप यहाँ पर कोड सिलेक्ट करें SR अड्डा। कोड SR अड्डा फिल करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, और प्रोसीड टू पे बटन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं इस प्लान पे आपको जो है ₹800 का डिस्काउंट मिला है। अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आप नो कॉस्ट EMI पे लोन ले सकते हैं। यहाँ पर गेट स्टार्ट बटन पे क्लिक करें। इसके बाद आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालें, और यहाँ पर आपको एरिया पिन डालना होगा, और सबमिट बटन पे क्लिक करके आप लोन ले सकते हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं ली जाएगी आपसे। सबसे पहले बात करें एग्जाम पैटर्न की, तो इसमें फेज 1 में आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, और ग्रुप वाई के पद पर जिन लोगों ने अप्लाई किया है उनसे रीजनिंग तथा जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश का सिलेबस जो है आपका CBSE 12th का सिलेबस होगा, और इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए 45 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 मार्क्स जो है गलत आंसर के काट लिए जाएंगे। इसके बाद आपका सेकेंड फेज होगा, जिसमें आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाने के बाद आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा। फिजिकल फिटनेस टेस्ट में 1.6 किलोमीटर रनिंग करनी होगी 6 मिनट 30 सेकेंड में। उसके बाद आपको 10 पुशअप लगाने होंगे, 10 सिटअप्स लगाने होंगे, और 20 स्क्वाट्स करने होंगे। इसमें जो है आपको एडवाइस मतलब सलाह दी गई है कि आप जो है अपना स्पोर्ट्स शूज, शॉर्ट और ट्रैक बैंड जो खुद से लेकर आए। इसके बाद आपका जो है एडाप्टेबिलिटी टेस्ट होगा। दो टेस्ट होंगे, एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 एंड एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 2, जिसमें आपसे जो है एडाप्टेबिलिटी टेस्ट 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट होगा, जिसमें आपकी सुटेबिलिटी चेक की जाएगी कि आप सुटेबल हैं कहीं किसी ऑपरेशन में जाने की कंडीशन, या फिर किसी ज्योग्राफिक ट्रेंड, वेदर और ऑपरेशन कंडीशन के लिए आप सुटेबल हैं। इसके बाद आपका जो है अडॉप्टेबिलिटी सेकेंड टेस्ट होगा, और उसके बाद आपका थर्ड फेज होगा, जिसमें मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन जो है मेडिकल बोर्डिंग सेंटर द्वारा लिया जाएगा, जिसमें आपके ब्लड से HB, TLC, DLC इन सब का टेस्ट किया जाएगा। यूरिन REME टेस्ट किया जाएगा। बायोकेमिस्ट्री में ब्लड शुगर, फास्टिंग और PP, इसके अलावा सीरम कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन तथा सीरम बिलिरुबिन, SGPT और SGOT टेस्ट होगा। इसके अलावा आपका एक्सरे टेस्ट होगा, इसके अलावा ECG किया जाएगा, और भी आपके मेडिकल टेस्ट किए जाएंगे। तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। सबसे पहले बात करेंगे रिटन एग्जाम की, तो अब बात करते हैं इसके सिलेबस की। इसमें इंग्लिश और आपसे रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो रीजनिंग एबिलिटी की बात करें, तो इसमें आपसे न्यूमेरिकल सीरीज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डिस्टेंस और डायरेक्शन सेंटेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन, नंबर, रैंकिंग और टाइम सीक्वेंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, असाइन आर्टिफिशियल वैल्यू टू मैथमेटिकल डिजिट के बारे में पूछा जाएगा, इंसर्टिंग करेक्ट मैथमेटिकल साइन, ह्यूमन रिलेशन, इसके अलावा कोडिंग, डिकोडिंग, ऑड मैन आउट तथा म्यूचुअल रिलेशन प्रॉब्लम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टॉलेस्ट यंगेस्ट रिलेशन पूछा जाएगा, डिक्शनरी रूट्स के बारे में पूछा जाएगा, इन सब के अलावा एनालॉजी, नॉन वर्बल रीजनिंग और नंबर कोडिंग तथा नंबर पजल के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें आपसे मैथमेटिक्स पूछी जाएगी, जिसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, LCM, SCF, प्रॉफिट लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस तथा स्पीड, परसेंटेज तथा सिंप्लीफिकेशन ऑफ नंबर, फ्रैक्शन तथा एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल के बारे में पूछा जाएगा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन तथा स्पेयर के बारे में पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी तथा सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पूछा जाएगा। और जनरल नॉलेज करंट अफेयर में आपसे जनरल साइंस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सिविक्स तथा जियोग्राफी पूछी जाएगी, करंट इवेंट तथा हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका क्वेश्चन पेपर कैसा हो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है। अब बात करते हैं इंग्लिश के सिलेबस की, तो इंग्लिश का सिलेबस आपका CBSE का सिलेबस होगा 12th लेवल का। इसमें आपको एक शॉर्ट पैसेज दिया जाएगा, जिसमें 4 क्वेश्चन होंगे, उनको जो है उनका आपको आंसर देना होगा। ग्रामर 2 पार्ट में पूछी जाएगी, पहले में सब्जेक्ट, वर्ब कॉनकॉर्ड, इसके अलावा जो है फॉर्म्स ऑफ वर्ब तथा एरर इन द यूज ऑफ वर्ब, इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ टेंस एंड एरर इन द यूज ऑफ टेंस, इसके अलावा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल, नेगेटिव, अफर्मेटिव,
कॉम्पिटेटिव डिग्री, पॉजिटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। सेकेंड ग्रामर में फॉर्मेशन ऑफ वर्ड, जिसमें नाउन फ्रॉम वर्ब्स तथा एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन्स एंड वर्ब्स, इसके अलावा एडवर्ब फ्रॉम एडजेक्टिव के बारे में पूछा जाएगा। डिटर्मिनर तथा प्रीपोजिशंस के बारे में पूछा जाएगा। नाउन्स एंड प्रोनाउंस तथा एडजेक्टिव तथा एडवर्ब और कंजंक्शन तथा मॉडल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन एंड टाइम, इसके अलावा रिलेटिव क्लॉज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओ कैप्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सिनोनिम्स और सिनोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा जाएगा। एंटोनिम्स एंड एंटोनिम्स इन कॉन्टेक्स्ट तथा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, स्पेलिंग पिटफॉल्स तथा सिंपल इडियम्स और फ्रेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड, इसके अलावा नरेशन पूछा जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वॉइस पूछी जाएगी, एक्टिव एंड पैसिव और जंबल सेंटेंस पूछे जाएंगे। इसका मॉडल पेपर कुछ इस तरह से होगा, आप डाउनलोड कर ले, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, कमेंट में पिन किया गया है। और इससे रिलेटेड कोई अन्य जानकारी चाहते तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।